आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट, और इस समय हम बात करेंगे जो नगर परिषद नेरचौक है वहां का जो मामला सामने आ रहा है। तो वहां की अध्यक्षा जो है शालिनी राणा, वे हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी जी, आपका समाचार फर्स्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शालिनी जी, आखिर ये मामला क्या है, क्यों एक सरकारी अधिकारी को अपनी नौकरी से रिजाइन देना पड़ा? सर रेजिग्नेशन तो जो है उनका पर्सनल वो है, जी अब उन्होंने रेजिग्नेशन देना है। हम तो सिर्फ इसके ऊपर कयास ही लगा सकते हैं, हम तो सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं जी कि शायद वो अपनी स्टडीज के लिए जो है स्टडीज के लिए वो इंटरेस्टेड थे, तो शायद तब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। जी तो ऑफिशियल तो मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कोई कारण है, क्योंकि मेरे पास लिखित में कोई शिकायत नहीं आई। जी तो क्या कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी गलत काम के लिए दबाव जो है वे आपकी तरफ से या टीम की तरफ से डाला जा रहा था उनके ऊपर? सर जब भी किसी गलत काम के लिए दबाव डाला जाता है तो उस गलत काम का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कागज या कोई कॉल रिकॉर्ड या कुछ कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना, सिर्फ किसी एक के यह मात्र बोलने से कि भाई मेरे ऊपर गलत काम करने का दबाव बनाया गया, तो जी उन्हीं को सच कैसे मान लिया जाए। इसको तो जी छानबीन करके ही हम बोले, क्योंकि मुझे तो अभी तक ऐसा याद ही नहीं है कि मैंने कभी किसी काम के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया हो। जी तो अभी क्या आपकी उनसे कोई बातचीत इस मामले में हुई? सर जो है जी परसों सुबह आज है हमारी 23rd, जी 20, 21, 22 की मॉर्निंग में जो है मेरा तो कहीं प्रोग्राम था, मैं ऑफिस भी नहीं आई थी, जी मैं ऑफिस से बाहर ही थी, और वहां पर भी मुझे किसी पत्रकार बंधु का ये फोन आया जी कि मैडम आपके ईओ सर ने रेजिग्नेशन दिया। तो मैंने बोला कि अभी तक तो मैंने कोई कॉपी रिसीव नहीं की है, फिर भी जी मैं पता कराती हूँ। तो उसके बाद मैंने उसकी खोजबीन की तो मुझे पता चला कि मेल किया गया है हमारे डायरेक्टर सर को, और जी एक कॉपी मेरे ऑफिशियल जो मेल है उसके ऊपर है। तो मुझे जी सब चीजें उसके बाद ही पता चली। तो क्या आखिर रेजिग्नेशन में क्या कोई कारण जो है उसमें दिया गया है कि नहीं आखिर नहीं किस वजह से इन्होंने रिजाइन दिया? रेजिग्नेशन में सिर्फ और सिर्फ सर ने जो है अपना पर्सनल रीजन ही बोला है, निजी जी कारण ही लिखा है उसमें। कितने समय से ये कार्यरत जो यहाँ पर आपके नगर परिषद में थे? जी सर इन्होंने अभी जो है 24 मार्च, 23-24 मार्च को ही ज्वाइनिंग दी है। हाँ तो जी, लंबे समय से बताया जा रहा है कि छुट्टी पर भी थे? हाँ जी सर, ये छुट्टी पे चले गए थे, 23-24 अगस्त से चले गए थे छुट्टी पे, और उसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया है 17 को। तो आखिर मैम कारण क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार जो है सोशल मीडिया में आपके ऊपर या आपकी टीम के ऊपर आरोप जो लग रहे हैं कि क्या कौन सा दबाव था आखिर, क्या कमरे का जो शिफ्ट करना कहीं कारण तो नहीं माना जा रहा, क्योंकि जहां तक हमें सूत्रों से पता लगा कि कहीं ना कहीं उनका कोई कमरा भी आपने शिफ्ट किया था? इसके ऊपर भी हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने मना किया, क्योंकि जी मैंने उनसे पूछा कि सर ये नाराजगी है तो हम करते हैं, तो ऐसा कुछ इशू था ही नहीं ना। जी अब इसके अलावा अगर कुछ और है तो जब हमारे ईओ सर किसी को इंटरव्यू करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो क्लियर कर सकेंगे ना। जी ये बहुत तो सिर्फ बहुत लोगों की सोच है कि भाई कमरा बदलने के कारण है, क्योंकि जो इतना टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं ना सर जी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो वो इतनी छोटी छोटी फिजिकल चीजों के लिए अपनी जॉब को इतने बड़े डिसीजन नहीं लेते अपनी लाइफ में, जी तो चलो, हम इसका उम्मीद कुछ। करेंगे कि हम उनसे भी जो है पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातचीत करें, लेकिन आपका पक्ष जानना जो बहुत ज्यादा जरूरी था। आपका हाँ बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद समाचार फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।